मुंबई में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने और लोकल ट्रेन पर पैसेंजर का दबाव कम करने के लिए सरकार ने मेट्रो ट्रेन और उसकी लाइनों को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए आरे मिल्क कॉलोनी में 30 हेक्टेयर जमीन पर एक कार शेड बनाया जा रहा है। यहां पर मेट्रो कोच के मेंटेनेंस के साथ ही कंट्रोलिंग सेंटर बनाने की योजना है, लेकिन सरकार की इस योजना का ये कहकर विरोध किया जा रहा है कि इसके बनने के दौरान 2500 से ज्यादा पेड़ काट दिए जाएंगे। पेड़ आप इधर से निकल के रोड का जो पेड़ है उसको निकल के साइड पे लगा सकते हैं। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है विथ वाइल्ड लाइफ विथ वाटर विच प्रिवेंट्स फ्लडिंग ऑफ द सिटी, दीज थिंग्स कांट बी रेप्लीकेटेड। वहीं बीएमसी पर्यावरण विदों की चिंता को बेवजह बता रही है। बीएमसी के मुताबिक मेट्रो के कारण हर साल 260,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम उत्सर्जित होगा। 2700 पेड़ जितना कार्बन डाइऑक्साइड साल भर में खींच लेते हैं, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड मेट्रो के चलने से 7 दिन में कम होगा। ऐसे में अधिक फायदा मेट्रो चलने से पर्यावरण को होगा। आरे का क्षेत्र 12,000 हेक्टेयर है, उसमें से 30 हेक्टेयर जगह मेट्रो कार शेड के लिए ली जा रही है, जो 2.25% से भी कम है। ये मेट्रो से 261 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, क्योंकि जो लोग गाड़ियों से चलते हैं उसका प्रदूषण कम होगा और 30 मिनट हर एक प्रवासी के बचेंगे। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार मेट्रो 3 प्रोजेक्ट से मुंबई के लोगों का समय भी बचेगा और उन्हें रोजगार भी मिलेगा। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड, ये मुंबई का एक बहुत बिजी रोड है, वो भी उसके बिल्कुल नजदीक ये लैंड है, उसमें से भी 5 हेक्टेयर का एरिया जो जहां ग्रीन कवर ज्यादा है वो हम लोग वैसा ही रिटेन कर रहे हैं। और उसके सिवा आज के तारीख में मेट्रो कार शेड के लिए दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं। मेट्रो 3 के बनने से पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार इस प्रोजेक्ट से मुंबई के लोगों को फायदा पहुंचेगा। एमएमआर के किसी भी क्षेत्र से एमएमआर के दूसरे क्षेत्र तक हम मिनटों में पहुंचे, हम 60 मिनट मैक्सिमम टाइम ट्रेवल टाइम हो एमएमआर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर, इस प्रकार का इंटीग्रेशन ये समूचे मेट्रो के प्रकल्प का हमने किया है। हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है और इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई है। वैसे मुंबई को पर्यावरण और विकास दोनों की जरूरत है और इन दोनों के बीच संतुलन बैठाना जरूरी है।